ये देखिए हमारे दही बड़े, रमजान में कौन बड़े, दही बड़े एकदम लाजवाब मज़ेदार। आपको भी पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए हम लोग पहले इसमें क्या करेंगे बोले तो, चने का आटा बेसन हटाना उसको डाल देंगे। दही बड़े रमज़ान में कौन बड़े, दही बड़े ये हैदराबाद की कहावत है। रमज़ान जैसे स्टार्ट होता है यहाँ पर दही बड़े बनाना, स्ट्रीट पर बेचना, खाना सबको बहुत पसंद है। जैसे ही इफ्तार का टाइम होता है पहले हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा सब दही बड़े पहले खाते हैं, उसके बाद रोज़ा खोलते ही पहले दही बड़े खाते हैं, उसके बाद खाना जो भी है अपना खाते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले नमक और डालेंगे हल्दी, थोड़ी हल्दी और थोड़ा पिसा घर का पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। बस अब इन सबको हम क्या करेंगे, पानी डाल करके इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें लुंडे नहीं रहना है, अच्छे तरीके से इसको अच्छे एकदम, ना पतला ना गाढ़ा। अभी मैं आपको मिला के बताऊंगी। देखिए ये देखिए हमारा आटा बहुत अच्छे तरीके से मिल गया है। इस तरीके से हम इसको ऐसे आटा मिला लेंगे, ना पतला ना गाढ़ा और ना इसमें लुंडे लुंडे रहेंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा आटा बन चुका है। ये बेसन का आटा है, इसमें मैं कुछ भी मिलावट नहीं करी हूँ। बस इसी तरीके से हमें एक एक करके इस तेल में डालते जाएंगे। देखिए हमारा तेल कढ़ाई में गर्म हो चुका है। देखिए चेक करने के लिए बस थोड़ा डाली थी मैं, बिस्मिल्ला। ऐसे ही करके हम इसमें भजियों के लिए डालते जाएंगे। बहुत सारे लोग भजियाँ बनाते हैं मोटे मोटे और पानी में डालते हैं, नमक डालते हैं, वैसा मैं कुछ भी नहीं करूँगी। सिंपल सादा तरीके से, आसान तरीके से किस तरीके से हम दही बड़े बना सकते हैं घर में बहुत मज़ेदार और लाजवाब, आज मैं आपको बना के बताऊँगी। आप रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिए, रमज़ान में ट्राई करके बनाइए, रमज़ान में रोज़ेदारों को खाइए और खिलाइए, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि ये दही बड़े आपको कैसे लगे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे भजिए फूल रहे हैं बिना सोडे के। बहुत सारे लोग सोडा भी ऐड करते हैं इसमें, मैं सोडा कुछ नहीं ऐड करूँगी। सोडा ऐड करने से क्या होता है कि तेल बहुत सारा चूस लेता है भजिए, जो तेल तेल लगेगा। हमें तेल ज़्यादा खाना भी नहीं है, रोज़ा रहकर हम तेल ज़्यादा खा लेंगे तो और छाती पर रह के हमें जलेगा, इसलिए हम सोडा इसमें नहीं ऐड करेंगे। ये देखिए पलट पलट लिए मैंने सारे भजिए, एक तरफ हो चुके हैं। आप भी इसी तरीके से बनाइए और बना करके मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपके दही बड़े कैसे बने। ये देखिए मैंने इसको दूसरी बार भी डाला है, इसको हम पलट देंगे। इसके बाद ये फ्राई होने के बाद फिर बताऊंगी। ये देखिए मैं तले सो भजी हमारे ऐसे हैं, ये देखिए ये दही का छांच है, मतलब दही का छांच नहीं, दही हम इस तरह से पतला कर लेंगे और अब हम इसमें दही में मिलाएंगे नमक। हसबे जायका, आपको जितना नमक चाहिए आप लोग जितना नमक खाते हैं
उसमें अंदाजे से आप मिला लीजिए। ये देखिए हमारा तेल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे पहले ज़ीरा, थोड़ा डालेंगे क्योंकि हम जब खाएंगे तो ज़ीरा बार बार आएगा हमारे मुंह में। ये देखिए राया, बस थोड़ा छोटे छोटे होने तक होने देंगे, फिर हम कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता डालने के बाद तो सारे डालने के बाद जैसे ही हमारा सब कुछ लाल हो जाता है, साबुत लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और जीरा राया, थोड़ा सा हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी से कलर अच्छा आएगा इसमें। हल्दी आप नहीं डालेंगे तो इसमें वाइट एकदम दही बड़े वाइट रहेंगे, जो हल्दी से ही कलर आएगा इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारे बघार है उसमें ऐड करेंगे। इसमें ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमने दही के बड़े जो बना के रखे थे इसमें एक एक करके मिलाते जाएंगे। बस हमारे दही बड़े बनके तैयार है। मज़ेदार, लाजवाब, स्वादिष्ट। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके तो ज़रूर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए हमारे दही बड़े एकदम बनके तैयार हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। देखिए हमारे दही बड़े बनके तैयार हैं। अब हम गार्निश करेंगे इसको। अब इसमें हम गार्निश करेंगे धनिया पत्ता कोथमीर के साथ और कुछ कटी हुई हरी मिर्चियों डालेंगे स्वाद अनुसार। देखिए हमारे दही बड़े बनके तैयार हैं। चलिए अब हम इसमें डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह। मैं इसको आपको क्या बताऊंगी, हमारे दही बड़े कितने मज़ेदार और लाजवाब बनके रेडी हैं। आप बनाइए, बनाकर खाइए, खिलाइए और तारीफें पाइए। बहुत ही मज़ेदार एकदम लाजवाब हमारे दही बड़े बनके तैयार हैं।